हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। माई सेल्फ कपिल हम असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट एंड्रयूज टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फारूक नगर गुरुग्राम। दिस इज लेक्चर नंबर 16 एंड यूनिट 4। वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स रिगार्डिंग द मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस एंड टाइम वेरिंग फील्ड्स एंड मैक्सवेल इक्वेशंस, एंड ऑल्सो वी डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। Student, in the last class we discussed about the various aspects regarding to magnetic fields, Ampere's circuit law, Biot Savart law. So with respect to magnetic boundary conditions, we have to see when there are two mediums, what are the boundary conditions which are exist between two mediums. So similar to boundary condition what we studied in electrostatic fields, here we consider the behavior of B and H at the interface of two different medias. These are the two different mediums, students, B1 and medium and medium 2, and these are the interface between the two mediums. So students, we have to discuss the behavior of B and H. So we determine how the tangential and normal components of magnetic fields behave at the boundary of the two regions having different परमिबिलिटीज़। तो जब आपके डिफरेंट डिफरेंट परमिबिलिटीज़ होती हैं अलग अलग दोनों रीजन्स के लिए, तो बाउंड्री पर मैग्नेटिक फील्ड्स और एच का क्या प्रभाव पड़ता है, स्टूडेंट क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो हमने यहाँ पे देखना है। तो स्टूडेंट, वी हैव आर रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस एंड वी हैव ए सिलेंड्रिकल पार्ट, तो जिसको हमने B1 और B21 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट किया। हाइट दे रखी है DS1 और DS2 नीचे दे रखा है, और डेल्टा L1 यहाँ पे लेंथ वाइज अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस की, तो वो हमने यहाँ पे C1 C2 C3 4 के हिसाब से डिफाइन कर रखा है। तो स्टूडेंट, इन द फिगर शो दैट इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया हैव परमिबिलिटीज μ1 एंड μ2। तो μ1 जो है मीडियम 1 की और μ2 आपका मीडियम 2 की परमिबिलिटीज है, और जो कि आप देख रहे हैं कि AN जो है दैट इज़ यूनिट वेक्टर, दैट इज़ नॉर्मल वेक्टर है, दैट इज़ फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। तो अब इसे देखेंगे कि मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जाएगा, तो ये AN हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल टू द वेक्टर रहेगा। तो डिटरमाइन द कंडीशन फॉर द नॉर्मल कंपोनेंट द फ्लक्स डेंसिटी बी, व्हाट वी हैव टू कंसीडर ए स्मॉल पॉइंट पी विद वैनिशिंगली स्मॉल थिकनेस एच एंड हैविंग एन एलिमेंट्री एरिया डेल्टा एस फॉर द फेसिस ओवर द पिल बॉक्स वी कैन राइट। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर बी के अंदर अगर हम देखेंगे एक स्मॉल पॉइंट पी है जिसका थिकनेस डेल्टा एच या डेल्टा एस है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन दैट इज BdS इक्वल टू 0। अब सिंस एच इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वी कैन निगलेक्ट द फ्लक्स थ्रू द साइड वॉल्स ऑफ द पिल बॉक्स। तो आपका जो दो सरफेस बनेंगी स्टूडेंट, वो बनेगी BS1 DS1 प्लस BV2 DS2 इक्वल टू 0। दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि DS1 और DS जो हमारी एक DS2 है, इसमें अगर आपको दिखाऊं सर डायग्राम के अंदर, तो DS1 जो है अपवर्ड द जेड एक्सिस है और DS2 है वो हमारी जेड एक्स विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्सिस है। ओके, तो इसलिए हमारा ये जो यूनिट वेक्टर बना हुआ है स्टूडेंट, इस वाले DS2 में माइनस AN और वैसे वाले जो नॉर्मल जेड एक्सिस है उसमें हमारा पॉजिटिव AN लिखा हुआ है। सो वी कैन री राइट दिस सेकेंड इक्वेशन एज, जो हमने सेकेंड इक्वेशन प्लॉटअप की है वो हम यहाँ पर माइनस साइन के साथ रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो मेरा माइनस से रिप्लेस हो गया। तो आप देखेंगे स्टूडेंट की B1 pi इज इक्वल टू V1 AN और V2 pi इज इक्वल टू V2 AN, इस तरीके से हमारा जो है फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट की जो डेल्टा एस है वो वेरी स्मॉल है, तो ये जो हमारा नेट इक्विवेलेंट होगा वो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एस अगर जीरो है तो B1 2 pi इज इक्वल टू B2 pi, ये हमारा इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 5 के अंदर। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर इज कंटिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस। तो जो भी आप मीडियम वन और V2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, सरफेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल वेक्टर हमेशा आपको यूनिफॉर्म दिखाई देगा स्टूडेंट। तो उसकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से इस इक्वेशन में डाल रखी है। तो डिटरमाइन द कंडीशन फॉर द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, वी कंसीडर ए क्लोज पाथ सी
इन द फिगर 3.8 बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ, तो एच डी एल इज इक्वल टू एच हो जाएगा. ओके, सिंस एच इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर इक्वल टू आर, तो हमारा ये एच वाली जो इक्वेशन है वो भी हमारी इस तरीके से हो जाएगी. अब इसमें भाई वाई जो हमारे वेक्टर्स के कंसेप्ट हैं वो ये देखना पड़ेगा. तो सेल थ्री वेक्टर हमारे पास दिख रहे हैं, ए एक्स, ए रो, ए टी एंड सच डेट दे सेटिस्फाई ए टी इज इक्वल टू ए रो इज इक्वल टू ए, राइट हैंड थंब रूल से. तो ए टी इज द टेंजेंशियल टू द इंटरफेस एंड इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द सी एट द इंटरफेस. तो अबव इक्वेशन जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट वो बन जाएगी एच वन डेल्टा ए टी माइनस एच टू डेल्टा ए टी इज इक्वल टू आई, और ये हो जाएगा जे एस टी डेल्टा एल. तो आप आई से आई अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे जो है डेल्टा एल डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट एच वन टी माइनस एच टू टी इज इक्वल टू जे ऑफ एस टी. इस इक्वेशन नंबर 9, सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इज डिसकंटिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस वेयर फ्री सरफेस करंट एग्जिस्ट. तो अब चूंकि जे एस अगर जीरो हो जाए तो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कंटिन्यूस, सो इफ वन ऑफ द मीडियम इज परफेक्ट कंडक्टर जे एस एग्जिस्ट एट द सरफेस ऑन द परफेक्ट कंडक्टर. इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट एज एच वन माइनस एच टू ए टी डेल एल वेक्टर इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू ए रो ए बाई डेल एल. तो आप देखेंगे स्टूडेंट की जे एस एंड डेल एल इसकी वैल्यू जो है जे एस ए रो डो एल की हो जाएगी. तो यहाँ पे सिर्फ ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइम वेरिंग फील्ड्स एंड मैक्सवेल इक्वेशंस, तो टाइम वेरिंग फील्ड्स एंड मैक्सवेल इक्वेशन में जैसा कि आया द फील्ड प्रोड्यूस बाय द वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड एज टाइम वेरिंग फील्ड्स और डायनेमिक फील्ड्स. द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन. जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट इस बैरल आपने लिखा गया है कि जो फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा, हम उसको कह रहे हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, टाइम वेरिंग फील्ड्स. अब यही टाइम वेरिंग फील्ड्स जो डिफाइन करेंगी आगे चल के वो मैक्सवेल इक्वेशन को डिफाइन करेंगी. ओके, नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फैराडेज लॉ बिफोर एंटरिंग टू द टाइम वेरिंग फील्ड्स. द स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ क्या आती है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड पाथ और ए सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द, तो इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ जो है आपका वो प्रोपोर्शनल है किसका, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स एनक्लोज बाय द क्लोज पाथ. दैट इज व्हेन ए क्लोज पाथ मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो जब ये क्लोज पाथ किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा या चलेगा तो इस करंट इज जनरेटेड एंड हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो द इफेक्ट इज कॉमनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये जो रिलेशन है वो स्टूडेंट वो ये लिखा हुआ है कि ई इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी ऑफ माइनस एन. एन जो है वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन द सर्किट के अंदर और ई एफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके स्टूडेंट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लेंज लॉ, तो स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ में ये कहा गया कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि आप देख रहे हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम सर्किट को मूव कर रहे हैं तो जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है इज सच दैट इट अपोजिज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, दैट इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को ये क्या करेगा स्टूडेंट, आपका अपोज करेगा. तो ई की वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी फर्स्ट इक्वेशन. तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है क्लोज पाथ के अंदर, ई डॉट डी एल, दो दो इक्वेशंस हैं. द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू ए स्पेसिफाइड एरिया इज गिवन बाय बी डॉट डी एस, तो बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है. तो फ्रॉम फर्स्ट आप जैसे देख रहे हैं कि ई की वैल्यू है स्टूडेंट माइनस डी फाई बाई डी टी और हमने यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है वो हमने यहाँ डाल दी है बी डॉट डी एस. और फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ई की जो वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन से ई डॉट डी एल वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी है. तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आ गई और यही है टाइम वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एंड कैन बी कॉज ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. सो वी हैव अ सर्टन कंडीशन स्टूडेंट, वन इज द स्टेशनरी क्लोज पाथ इन ए टाइम वेरिंग बी मैग्नेटिक फील्ड,
time varying closed path in a static B field, a time varying closed path in a time varying B field. These are the three conditions over which we have to consider, keep in mind. When EMF is induced in a stationary closed path due to time varying field, the EMF is called statically induced EMF. जैसे कि आप देख रहे हैं कि EMF जब induce हो जाता है stationary closed path में due to time varying field, the EMF is called stationary statistically induced EMF or transformer EMF. Okay, student. Now, when the EMF is induced in a time-varying closed path due to a static B field, the EMF is called dynamically induced EMF or a motion EMF. Okay, student. So, a stationary closed path is a time-varying B field, statistically induced EMF or transformer EMF. For this, we have to consider a closed circuit which is a stationary while a magnetic flux density varying with a time. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लोज सर्किट हम एग्जिस्ट करवा रहे हैं जो कि स्टेशनरी है किसी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में और वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो जो इसका फ्लक्स का जो अभी हमने ड्राइव किया है स्टूडेंट, वो क्या इक्वेशन बनेगी, ये वाली, दिस इक्वेशन, ये हमने पहले ही अभी निकाली है. तो दिस इज सिमिलर टू अ ट्रांसफार्मर एक्शन एंड ई एम एफ इज कॉल्ड अ ट्रांसफार्मर ई एफ यूजिंग स्टोक्स थ्योरम. तो ए लाइन इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ सर्फेस इंटीग्रल. तो आप देख रहे हैं कि डी एल जो है ये लाइन से किस में हो रही है, सर्फेस इंटीग्रल में पहुँच रही है. तो एज डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी इंटू डी एस. तो आप यहाँ से देखेंगे डेल क्रॉस ई डी एस इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी इंटू डी एस. हैंस डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, जो डेल क्रॉस ई है वो माइनस डी वी बाई डी टी होता है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, देयर फॉर डी बी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, तो डेल क्रॉस ई डेफिनेटली इज इक्वल टू स्टूडेंट जीरो. तो ये आप देख रहे हैं कि एक मूविंग क्लोज पाथ में स्टैटिक बी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशन ईएमएफ के अंदर आपका जो कंडक्टर है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है. Next we have the condition in which the magnetic field is stationary while a closed path is moving or a revolving is shown in the figure. Okay, so magnetic field is stationary constant not varying with time while the closed circuit is revolved to get the relative motion between the them. So this action is similar to the generator action, hence the induced EMF is called as a motional or generator EMF. So it change Q moving with a magnetic B at a velocity V, then the force can be given by F is equal to QV in cross B. This is motional device field intensity is defined as the force per unit charge given by the EM minus Q by V cross B. So thus induced EMF Q is given by E MDL is equal to close path B cross BL DL. If the direction of velocity with the which conductor is moving, then magnetic field B are mutually perpendicular to each other. So induced EMF उस केस में क्या बन जाएगा, BLV sin theta, या हम BLV sin theta में 90 degree जो होगा perpendicular है तो 90 degree BLV बन जाएगी, the length आपका state conductor हो जाएगा. तो moving close path is a time varying field B. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द कम्बिनेशन ऑफ द टू ईएमएफ्स. टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या बनेगी, ट्रांसफार्मर ईएमएफ प्लस मोशनल ईएमएफ. तो ये सारा रिलेशन जो हमारा इस इक्वेशन में निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, डीसी इक्वेशन. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी स्टूडेंट, सो फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ वी नो दैट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे. So taking divergence on the both side we get as del dot del cross H is equal to del dot J. अब divergence of the curl of any vector field is zero. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि hence del dot del cross H is equal to del dot J is equal to zero हो जाएगा. तो second equation बन गई हमारी. अब चूंकि but the equation of continuity del dot J is equal to del rho V by rho V पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमने पहले निकाले पिछली क्लासेस में.
तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हम देखेंगे कि आर नॉट कंपैटिबल फॉर द टाइम वेरिंग फील्ड. सो इक्वेशन वन विल बिकम एज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस एन. तो अब अगेन आफ्टर टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑन द बोथ साइड स्टूडेंट यू विल गेट एज डेल क्रॉस एच डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट एन इज इक्वल टू जीरो. एज डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस रो वी बाई टी टू गेट करेक्ट कंडीशन डेल डॉट एन इज इक्वल टू रो वी बाई रो टी. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट डी वैक्टर. तो आप देखेंगे कि यहाँ डेल डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू डेल पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डेल डॉट डी. तो डेल ऑफ डी पार्शियल डिफरेंशियल डी बाई डी टी. तो कंपेयरिंग द बोथ साइड यू विल गेट एज एन वैक्टर इज इक्वल टू डेल डी बाई डी टी. सो द एम्पियर सर्किट लॉ इज पॉइंट फॉर्म बिकम्स डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे बी प्लस डेल डॉट डी वैक्टर. तो दिस इज द स्टूडेंट अदर इक्वेशन वी गॉट. तो जे सी डेट इज द करंट कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड कंडक्शन करंट डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर पर स्क्वायर मीटर. द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बट डेट इज डिनोटेड बाई जे डी. तो आप देख रहे हैं कि जे कंडक्शन करंट और ये जे डी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट होता है. नाउ वी टॉक अबाउट द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक फील्ड स्टूडेंट. तो मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक फील्ड्स में जैसे कि द बेसिक मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक फील्ड्स आर डिराइव फॉर फ्रॉम फैराडेज लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड. जैसे कि आप देख रहे हैं कि फैराडे लॉ में द वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ और क्लोज कंटूर इज ऑलवेज जीरो, डेट इज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो. अब स्टोक्स थ्योरम की मदद से अगर हम क्लोज लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करें सरफेस इंटीग्रल में तो ये ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई डी एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. सो बट डी एस कभी जीरो नहीं हो सकता तो देयरफॉर डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव फ्रॉम द फैराडेज लॉ फॉर स्टैटिक फील्ड. यदि आपको एम्पियर सर्किट लॉ से बात अगर इसको डिराइव करना है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ व्हाट वी हैव दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच अराउंड अ क्लोज पाथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डायरेक्ट करंट एनक्लोज बाय दैट पाथ मैथमेटिकली एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई. तो आई जो है वो है जो हमारा इंटीग्रल सरफेस जे डॉट डी एस वेयर जे इज द करंट डेंसिटी. यू कैन री राइट दिस इक्वेशन एज क्लोज कर्व एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव फ्रॉम द एम्पियर सर्किट लॉ. स्टूडेंट तो स्टोक्स थ्योरम की मदद से हम ये कर सकते हैं कि एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच डी एस इज इक्वल टू जे डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल. तो हैज वी गेट एज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे. स्टूडेंट्स इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम द गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाई डेट सरफेस. तो साई माइनस डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज. तो गॉस लॉ कैन बी रिटन एज डी डॉट डी एस इक्वल टू रो वी डी वी मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव फ्रॉम द गॉस लॉ फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ कन्वर्टिंग द क्लोज सरफेस इंटीग्रल इन टू अ वॉल्यूम. तो अब यहाँ क्या हो रहा है सरफेस टू वॉल्यूम में जा रहे हैं. तो डी डॉट डी एस इक्वल टू डी डॉट डी वी comparing above equation we will get this as del dot d is equal to rho v. So from Gauss law for magnetostatic field the magnetic field flux cannot reside in a closed surface due to the existing of single magnetic pole. So mathematically it is nothing but as b dot ds is equal to zero. That is Maxwell equation derived from the Gauss law for static magnetic field. So using divergence theorem you will representing as dv not equal to 0, the del dot b vector is equal to 0. Again we have the Maxwell equations for time varying field students. So ye jo abhi aapne dekhe sare wahi cheez hum yahan pe dekh rahe hain. तो मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स में सिमिलर टू द स्टैटिक फील्ड मैक्सवेल इक्वेशन फॉर द टाइम वेरिंग फील्ड आल्सो डिराइव फ्रॉम द फैराडेज लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. तो फैराडे लॉ जैसे भी हमने डिस्कशन किया स्टूडेंट वही फॉर्मूलाज हैं वही रिलेशंस हैं. तो एम्पियर सर्किट लॉ में भी हमने ये चीज़ दिखाई दी कंडक्शन करंट एंड कन्वेंशन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. तो
ये चीज़ जो है हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ स्टूडेंट, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू द, जैसे कि अभी हमने एम्पियर सर्किट लॉ पिछले क्लासेस में डिफाइन किया था, एच डॉट डी एल इक्वल टू आई इनक्लोज, तो रिप्लेस करंट बाय सरफेस इंटीग्रल तो जे डॉट डी एस हो जाएगा। दिस इक्वेशन विल बिकम एज जे प्लस डेल डी बाई डी टी इक्वल टू डी एस, मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव फ्रॉम द एम्पियर सर्किट लॉ। तो स्टेटमेंट इट इज द टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम एफ अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द सर्फेस इंटीग्रल और द कंडक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ओवर द एंटायर सर्फेस बाउंड्री बाय द सेम क्लोज पाथ। तो जो आप सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं स्टोक थ्योरम, तो एज सरफेस से सरफेस में, तो मैक्सवेल इक्वेशन जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट, तो जब इंटीग्रल हटेगा तो ये बचेगा डेल क्रॉस एल, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डॉट डी वाई डी टी। ओके, मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव फ्रॉम गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इट विल बिकम एज रो वी डी वी, जो कि अभी हमने पीछे डिफाइन किया है वही सेम टू सेम है, नया कुछ नहीं है। टोटल फ्लक्स लिंकेज आउट ऑफ द ड्राइव फ्रॉम आउट ऑफ द क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द फाइनाइट वॉल्यूम यूज इन डाइवर्जेंस थ्योरम। वही चीज़ है सारे स्टूडेंट, जो अभी हमने डिफाइन की है गॉस लॉ से, वो ये सारा हमने दोबारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है जो सरफेस इंटीग्रल में आप देखते आए हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।